सिमर को अंजलि का पहला गार्जियन बनाने का दर्जा दिया था ताकि मिस अंजलि भारद्वाज भारद्वाज निवास छोड़कर मेरी क्लाइंट मिस सिमर के साथ रह सके। दैट्स ऑल यू नो। देखिए मिसाउदर सुल्तान, ये मामला इतना आसान नहीं है। बच्चों की कस्टडी के लिए बर्ताव किया है, फिर सोचने में मजबूर कर दिया है कि सिमर में बच्चे छोटे ही अभी छुट्टी है। देखिए इसलिए हमने मिस सिमर को अंजलि के साथ रहने की इजाज़त दी थी। इनशिप तब तक आप किसी को दलिए पर नहीं पाल पाते, लेकिन ये मामला इतना पेचीदा हुआ फिर था तो शायद जज ने कहा मामले में सही तरह से हिसाब लेने के लिए 5 जजेस का पैनल बनाया जाए, से कुछ प्रख्यात चाइल्ड काउंसलर भी होंगे। अंजलि खड़े हो जाओ। बहुत अपन ना सिंपल सा डिसीजन लेने के लिए हम खड़े हैं। तो बच्चों के काउंसलर भी होंगे जिनके ऐसे मामलों में स्पेशलिस्ट होंगे। अंजलि खड़ी हुई। बहुत बैठ जाइए वरना दोबारा अदालत की तौहीन करने में मजबूर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना। ये बैंकर जज अंजलि से मिलना चाहते हैं ताकि उसके मामले में सुधार सके। ले जाओ इसे कमरे में उड़ाओ। इस केस की सबसे अहम अंजलि है और उनके बगैर जा सकती है। सर की पहले लाइन बढ़िया। जेके सिंह जी, अदालत किसी का इस तरह इंतजार नहीं कर सकती। हम सिर्फ 15 मिनट का इंतजार कर सकते हैं, तब तक अगर अंजलि नहीं आई तो हम प्रोसीडिंग शुरू मजबूरन में शुरू करना पड़ेगा। जज ने बोला लगता है वो नहीं आएंगे। हेलो, इधर आ गई, वो खड़ी हो गई। सॉरी मुझे लेट हो गया, आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। सॉरी हाँ, इट्स चलो शुरू करते हैं। आई उधर घूम के गई। जज ने इधर से बोला तो बताइए श्रीमान, क्या अंजलि ने इतने दिनों में अदालत के द्वारा कोई नियम तोड़ा? समझ से चलते बच्चे ऐसे होते हैं।
लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचते। लेकिन मामला इतना पेचीदा है कि अकेला जज इसका फैसला नहीं कर सकता। बच्चों का उद्योग होगा, सब होगा, इसलिए अपने वहां लेके जाना होगा। अंजलि ने इतने दिनों में अदालत के द्वारा दिए गए नियमों में किसी भी नियम का उल्लंघन किया है? नहीं, ये गलत। उसने एक भी नियम नहीं तोड़ा। शुक्ला जी बोले, ये वाला मेरे क्लाइंट की अपील है खारिज कर दी, क्योंकि सिमर के वहाँ रहने से मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रेम भरद्वाज को बहुत तकलीफ हो रहा है। फिर आवाज बोले, मैं भी यही चाहता हूँ मिस्टर अदालत, सिमर को भरद्वाज ने और उन्हें अंजलि के पहले गार्डियन का दर्जा दिया था, ताकि अंजलि भरद्वाज निवास छोड़कर सिमर जी के साथ रह सके। देखिए मिस्टर आहूजा, मिस्टर शुक्ला, ये मामला इतना आसान नहीं। बच्चों की कस्टडी के लिए तलाक शुदा पति पत्नी के केस तो बहुत देखे हैं, लेकिन एक 21 साल की लड़की कस्टडी के लिए किसी को लड़ते हुए पहली बार देखा है। कानून तो एक 21 साल की लड़की को अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का हक है, लेकिन पिछली बार अंजलि ने अदालत में जो बर्ताव किया उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ बच्चे उम्र से भले ही बड़े हो जाए, लेकिन अकल और समझ से बच्चे ही होते। What nonsense! और इसलिए हमने मिसेस सिमर को अंजलि के साथ रहने की इजाजत दी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये मामला इतना पेचीदा है कि एक अकेला जज इसका फैसला नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस मामले में सही तरह से इंसाफ करने के लिए एक 5 सदस्यों का पैनल बनाया जाए, जिनमें कुछ प्रख्यात चाइल्ड काउंसलर्स भी होंगे और कुछ ऐसे जज जिनके ऐसे मामलों में स्पेशलाइजेशन है। ये पैनल के जजेस अंजलि से मिलना चाहते हैं ताकि वो उसकी मानसिकता और उसके चरित्र को समझ सके। तो अंजलि को छोड़कर बाकी सब जा सकते हैं। The court is adjourned और आप इन्हें लेकर जाइए। देखिए वाई कांस्टेबल,